सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से पूछते हैं कि दुनिया के लोग किसका भजन करना चाहते हो, इसलिए कि भजने वाले तजते हैं और आने वाले जाते हैं और जन्मने वाले मर जाते हैं। तो सदगुरु कबीर पूछते हैं कि भजो तको है भजन को, तजू तको है आन, भजन तजन के बीच में सोई सब गुरु पहचान। आखिर किसका भजन किया जाए और तजा किसको जाए? ये सारी दुनिया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो और ईसाई हो, महिला हो या पुरुष हो, कहीं भजन नहीं, कहीं भक्ति नहीं चल रही है, चारों ओर राग द्वेष चल रहा है, जलन। साहब कबीर कहते हैं, कबीर यह जग जलते देखा अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही है लाग। सारी सृष्टि जल रही है, भजन भक्ति कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं है। आज राम के भजने वाले रावण को गाली पड़ते हैं, कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पड़ते हैं, पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पड़ते हैं, राम के भजने वाले को रहीम से द्वेष है, करीम के भजने वाले को कृष्ण से द्वेष है, महादेव के भजने वाले को मोहम्मद से द्वेष है, हजरत के भजने वाले को हरि से द्वेष है, ब्रह्मा के भजने वाले को बिस्मिल्ला से द्वेष है, कावा जाने वाले को काशी से द्वेष है, मथुरा जाने वाले को मक्का से द्वेष है, और गंगा नहाने वाले को जमजम से द्वेष है। ये सारी सृष्टि राग और द्वेष में चल रही है। बोलिए भजन किधर है? अगर हिंदू को छोड़ दिया जाए तो मुसलमान के मस्जिद में सुगर फेंक देगा, और मुसलमान को छोड़ा जाए तो हिंदू के मंदिर में वो गाय का रान फेंक देगा, सिख को छोड़ा जाए तो ईसाई के गिरजा घर को जला देगा, और ईसाई को छोड़ा जाए तो सिख को गुरुद्वारा को बुलडोजर से ढा देगा। बोलिए भगवान किधर रहते हैं और पूजा किधर चल रहा है?